जैसा परिवर्तन हो रहा है अभी हमारा देश को और कोई तोड़ नहीं सकता है, किसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा भारत को निर्माण किया वो भारत को अभी कोई कंट्री कोई देश आंख मिला के नहीं देख सकता है। भारत के लिए सबका सम्मान है अभी, इसलिए जब देश का अंदर ताकत होगा वही देश को दूसरी देश सम्मान का दृष्टि से देखता है, नहीं तो कोई आपको सम्मान नहीं करता है। आज आप देखिए भारत का सम्मान कितना हो चुका है, भारत का हर स्तर पे एक नया भारत का सपना हम सब लोग को दिखाई देता है। आप सोचिए ये कांग्रेस का सरकार जब देश में चला था तब हम लोग का क्या था, हम लोग कौन सा दुनिया में था। हमारा भारत है श्री राम हमारा भगवान है। अगर श्री राम का जन्मभूमि कहाँ है, अयोध्या में है। जन्मभूमि कैसा है, अरे वहां में तो मस्जिद भी है मंदिर भी है। अरे भाई बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, राम और बाबर का क्या कंपेयर हो सकता है, कहां राम है कहां बाबर है। क्या अगर कोई बोल देता है कि औरंगजेब शिव मंदिर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। अरे राम कैसे जन्म हुआ और बाबर कहां से आ गया, राम और बाबर का कंपैरिजन कहां से हो गया। लेकिन वही लेके कांग्रेस लोग चलते रहा, स्वाधीनता हुआ अपना सरकार बना, लेकिन वो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद देश को एक नरेंद्र मोदी के लिए इंतजार होते रहा कि कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा और बाबरी मस्जिद नहीं खाली राम जन्मभूमि बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया, कोई तो किसी ने तो आपत्ति नहीं किया, नहीं नहीं बाबरी मस्जिद तोड़ जाएगा राम मंदिर बन जाएगा देश में हाहाकार लग जाएगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है और 1-1.5 साल का बाद हम लोग सब जाके राम मंदिर में गौरव से जाके भगवान श्री राम को प्रणाम करूंगा। बन गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था कांग्रेस हमेशा इसको बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि बना के रख देता। ये क्या कोई ट्रॉफी है, बोले थोड़े मस्जिद बनाओ थोड़े मंदिर बनाओ। अरे बाबा ये कैसा बात आप करते हो, कोई भगवान का साथ कोई बाबर का कंपेयर हो सकता है क्या। बाबर तो देश का आक्रांता था, जो देश को आक्रमण किया उनका साथ भगवान श्री राम कैसे उनका मंदिर बन सकता है, कैसे एक साथ रह सकते हो। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल का गुलामी से देश को मुक्त किया। एक ही देश है, बोले नहीं भाई कश्मीर का संविधान अलग है, देश एक है सीमा एक है, एक देश में क्या दो संविधान होगा दो फ्लैग होगा। कांग्रेस बोला भाई 370 कम से कम ताश मत करो, एकदम देश में हाहाकार हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका पास नहीं रहेगा वो चला जाएगा। लोगों का मन में विश्वास हो गया, लोगों का मन में विश्वास हो गया भाई 370 नहीं हटेगा। चलते रहा देश 75 साल, किसी ने सोचा भी नहीं कि भाई एक बार ट्राई करके तो देखो क्या हो सकता है, संभव भी हो सकता है, लेकिन किसी ने कोशिश भी नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 हटाया, देश को एक किया, देश को श्रेष्ठ बनाया। हल्ला कहां हुआ, कुछ ने हल्ला किया, कोई हल्ला नहीं है। आज जम्मू कश्मीर का भी डेवलपमेंट हो रहा है और देश भी एक बन गया, देश भी अभी श्रेष्ठ बनने का रास्ता में निकल पड़ा है। लेकिन आप देखिए आज गुजरात का देश के लिए कंट्रीब्यूशन देखिए, अगर गुजरात नरेंद्र मोदी जी को जन्म नहीं हो देता था भगवान श्री राम को सम्मान कभी नहीं मिलता था, 370 धारा कभी नहीं जाता था। ये देश को गुजरात ने देश को इतना बड़ा तोहफा दिया,
तो इसीलिए ये गुजरात का पवित्र भूमि में मुझको वोट मांगने का जरूरत नहीं, मुझको तो प्रेरणा लेने का जरूरत है आगे कैसे चलना चाहिए देश। भाइयों और बहनों, आज देश का आप जो परिवर्तन हुआ आप देखिए, हर मां एक मां है, हर महिला एक महिला है, लेकिन हमारा वो मुसलमान महिलाओं थे कि उनका जीवन में कोई निरापत्ता नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हस्बैंड दुबई में है, आप SMS ठुको तलाक 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 कहीं भी खत्म, सेक्टर खत्म, कुछ नहीं है भाई। किसने व्हाट्सएप किया, अगर कोई दूसरा आदमी ने भी सुबह उनके व्हाट्सएप कर दिया तब भी आपका तलाक हो गया। और जब हमने बोला कि भाई ये तलाक खत्म होना चाहिए, मुसलमान महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, तो कांग्रेस ने बोलना शुरू किया भाई ऐसा काम मत कीजिए। अरे अगर वही तलाक कोई कांग्रेस लीडर का माँ का हो जाता है, कोई कांग्रेस लीडर का बहन का हो जाता है, तब क्या होगा। लेकिन कांग्रेस का ताकत नहीं था, कांग्रेस का हिम्मत नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तलाक कानून को विलुप्त कर दिया। कोई हंगामा हुआ देश में? कोई हंगामा नहीं हुआ, उल्टा अभी यूपी का चुनाव हुआ, मुसलमान महिला लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को कमल सिंह ने वोट देना शुरू कर दिया। अभी लोग बोलता है, हमको पूछता है भाई एक पुरुष तीन तीन शादी कब तक करते रहेगा। हम बोला नहीं, वो जो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी देश में आ जाएगा, बहुत दिन का समय नहीं है। देश का जो परिवर्तन हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा, मुसलमान बेटी को पूरा सम्मान मिलेगा, और कोई पुरुष को तीन तीन शादी करना, तलाक करना, ये जो नारी को मां को जो खिलौना देश समझता था वो काम और भारत का पुण्य भूमि में नहीं होगा, ये हम लोग सबको मानना है। और मोदी जी का नेतृत्व में ही देश का वो काम भी होगा। आपने अभी सुना है देश का माहौल, अभी अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाल जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहां रखा, फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी और डेटिंग करना शुरू कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा, हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आज इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश को नरेंद्र मोदी जी को 2026 में उनको दोबारा तीसरा बार देश में प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और देश में जितना समस्या है सारा समस्या मोदी जी का हाथ में समाधान होना चाहिए। आज आप देखिए गुजरात का विकास देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस का लीडर था, बीजेपी का लीडर नहीं था, लेकिन कांग्रेस का लीडर लोगों का मन में क्या था कि पटेल को आगे मत कीजिए। इसलिए अगर सरदार पटेल के बारे में लोग जानेगा, लोग समझेगा, तब लोग क्वेश्चन करेगा कि देश का प्रधानमंत्री पटेल क्यों नहीं हुआ, नेहरू क्यों हुआ। किसलिए? देश का साथ वो गद्दार हुआ था, देश का साथ वो अन्याय हुआ था। जो व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए था वो देश का प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बना। अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनता था, ये देश का चेहरा एकदम अलग हो जाता था। आज आप देखिए कांग्रेस ने वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया, 1990 तक, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि 1947 से 1990 तक आपने सरदार को क्यों भारत रत्न नहीं दिया। बाद में आके उन्होंने 1990 में भारत रत्न दिया, डीआर अंबेडकर को उसी समय दिया, लेकिन 1947 से इतना साल तक ये दोनों नेताओं का कभी सम्मान नहीं हुआ।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो केवड़िया में जो वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा बनाया, देश का कोने कोने का लोग जानते, सब लोग आते हैं मोदी मोदी जी का ये जो प्रतिमा है, पटेल जी का नाम में पटेल जी का प्रतिमा है, सब नमन करने आते हैं। आज सारे लोगों को मालूम हुआ कि गुजरात का कंट्रीब्यूशन क्या था। लेकिन पहले लोग सोचता था कि भाई मैं देश का पूरा जो आज भारत है वो गांधी ने ही बनाया। लेकिन ये भी थोड़ा देर के रुक जाइए, महात्मा गांधी ने नहीं, डुप्लीकेट गांधी ने ही बनाया, पिछले वो तो ओरिजिनल गांधी है ही नहीं। तो कहां से गांधी टाइटल मिला, कहां से वो गांधी बन गया, कोई नहीं जानते। बोले हम गांधी से मिली है। थोड़ा दिन पहले मुझको दिल्ली में अखबार ने पूछा कि गांधी परिवार, मैं बोला भाई थोड़ा रुक जाइए, मैं तो गांधी परिवार का मतलब समझता हूँ, महात्मा गांधी, राजमोहन गांधी, ये लोग को समझता हूँ, आपका ये गांधी कैसे हो गया पहले उसको और समझाइए, बाद में मैं आंसर देता हूं। तो देश का इतिहास पूरा कांग्रेस ने बदला कर रख दिया है। अभी यहां एक पार्टी आए हैं, आप पार्टी, आप वो खास हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनका एक लीडर है भाई अमानुल्ला। ये अमानुल्ला ने सीए का समय दिल्ली में जो संत्रास किया, आप समझ नहीं सकता है दिल्ली में कितना दंगा फसाद करवाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको दोबारा टिकट दे दिया। अभी एक मंत्री है उनका कैबिनेट में, अभी विधायक है, उनको लीडर भी बनाया कि देश में हिंदू धर्म खत्म कर देना चाहिए। अरे बाबा, हिंदू धर्म तुमने जन्म दिया था क्या, तुम खत्म करेगा? 5000 साल से हिंदू है, जब तक संघर्ष सुरुज रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और अभी केजरीवाल जी बोलता है कि नहीं नहीं गुजरात का परिवर्तन होना है। क्या गुजरात का तुम परिवर्तन करेगा? कौन सा गुजरात का परिवर्तन चाहिए? फिर गुजरात में गुंडाबाजी का तेज होना चाहिए क्या? जो मोदी जी ने परिवर्तन किया उसको अगर तुम परिवर्तन करेगा तो कौन सा परिवर्तन करेगा? वो कांग्रेस वाला गुजरात बनाना चाहते हो क्या तुम? आज गुजरात में कुछ परिवर्तन करने का नहीं है, गुजरात को देश को मार्ग दिखाना है, गुजरात से देश प्रेरणा ले रहा है। आप गुजरात को परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है, कृपा करके आप गुजरात से बाहर रहिए, गुजरात अमेरिका से भी बहुत बड़ा देश बन जाएगा, प्रदेश बन जाएगा, गुजरात भारत को बनाएगा। आज ये दो लोग आते हैं चुनाव का समय, लास्ट टाइम चुनाव का समय क्या हुआ, राहुल जी खाली गुजरात में एक मंदिर, दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर, अभी कहां है, अभी पैदल मार रहा है कहां, साउथ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, चुनाव है गुजरात, आप पैदल मार रहे उधर, क्यों पैदल मार रहे? बोले मैं चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूं। अरे अगर चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पैर ग्लव्स पहन के अब ग्रीन रूम में क्यों बैठा है, मैदान में तो आना चाहिए ना। लेकिन वो मैदान में राहुल जी कभी नहीं आता है, अभी हिमाचल का भी चुनाव हो गया, मैदान में उनको किसी को दिखाई नहीं दिया। तो ये जो पार्टीज है, ये पार्टी हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो पार्टी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को दुबला करने के लिए, देश को वीक करने के लिए पूरा इंटरनेशनल का बहुत बड़ा तत्व एकजुट हुआ है कि भारत को वीक करना है। इसलिए सबको मालूम है, अभी तो भारत ने ब्रिटिश को बैक कर दिया, जो ब्रिटिश हम लोग को शासन किया था, अभी ब्रिटिश से भारत का इकोनॉमी बड़ा हो गया। 2029 तक हम दुनिया का 3 नंबर इकोनॉमी बनेगा, और यही अमृत काल में हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे धकेल देगा। ये हमारा मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है। कॉन्स्पिरेसी भी हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया बात उठाता है, नया नया तत्व आते हैं। आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि ये 2022 का जो गुजरात का चुनाव होगा वो शुरुआत है। देश चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरा बार देश को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और मोदी जी का नेतृत्व में देश का विकास पूरा चलते रहना चाहिए। मैं उत्तर पूर्व से आया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि मोदी जी देश का क्या परिवर्तन किया है। आप लोग कच्छ में हैं, कच्छ का भूकंप के बाद देश कच्छ का क्या परिवर्तन हुआ है ये आप लोग जानते हैं, इसलिए आप लोग यहां थे, आप लोग कच्छ का सिटीजन है। आज हम लोग का
कीड़ा था जब भूकंप हुआ था, आप लोग का मन में भी होता था सब तो चला गया, अभी कैसे नव निर्माण होगा। लेकिन मोदी जी ने इसको नया ताकत दिया। आज कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक इकोनॉमिक ताकत आ गया, एक नया कच्छ का निर्माण हो गया। अभी अंजेर में मैं सभा में था तो कोई लोगों ने मुझको बताया कि गुजरात कच्छ का भूकंप का बाद मोदी जी कच्छ में कम से कम 90 बार आया है। मैं सोचा मैं अभी 1.5-2 साल हो गया सीएम, मैं आसाम का सारा जिला में भी अभी एक एक बार नहीं दिया हूं, लेकिन मोदी जी कच्छ में 90 बार आया। इसलिए उनका मन में यह था कि कच्छ का नया निर्माण होना चाहिए, जो क्राइसिस है उनको अपॉर्चुनिटी तक बदलना है। ऐसा ही काम आज मोदी जी पूरा देश भर में कर रहे। आज काशी विश्वनाथ का जो भव्य रूप हुआ, कभी कल्पना नहीं था कि काशी ऐसा बदल सकता है। देश का यह कोई कल्पना नहीं था कि राम जन्मभूमि ऐसा भव्य मंदिर कभी बन सकता है। आज मोदी जी ने उज्जैन का महाकाल मंदिर जैसे बना है, ये सब कभी देशवासियों का कभी कल्पना में नहीं था। आप देखिए, कभी हमारा ये कल्पना में था कि केदारनाथ का वह भव्य स्वरूप हम लोग देख पाएगा? किसी ने कल्पना किया था कि आज उज्जैन का महाकाल का ये नया सभी हम लोग को दिखाई देगा? आज किसी ने कल्पना नहीं किया था कि काशी का बाबा विश्वनाथ का ये सेंस हो सकता है? किसी ने तो कम से कम ये कल्पना नहीं किया था कि कोविड का बाद भारत वैक्सीन बना सकता है। लोगों को तो ये मालूम था कि मोदी जी अमेरिका जाएगा, ब्रिटेन जाएगा और वैक्सीन लेके आएगा हमारे लिए। कभी किसी का मन में नहीं था कि वैक्सीन भी भारत में बनेगा। आज जब वैक्सीन बनाया तो कांग्रेस का लोग क्या किया, क्या वो वैक्सीन मत लीजिए, डुप्लीकेट वैक्सीन है। 10 दिन का बाद जब मोदी जी खुद वैक्सीन ले लिया, 10 दिन का बाद सुख के कांग्रेस लोग लाइन में खड़ा होने लगा और वैक्सीन लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब पहला वैक्सीन निकाला था, टीवी में हल्ला गुल्ला लगा दिया, भाई ये वैक्सीन गड़बड़ी है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये बहुत सारा इंग्लिश सब बोल दिया क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन बाद में सारे कांग्रेस लोग ले लिया, सारा कांग्रेस का फैमिली मेंबर लाइन में जाते जाते ले लिया, बीजेपी लोग वैक्सीन सेंटर बनाया और कांग्रेस लोग आराम से जाके वहां में वैक्सीन ले लिया कोविड का समय। आज कोविड का समय, देश को कोविड का सामना हम लोग कर सकता हूं ये देश का कल्पना में नहीं था। सब लोग टूट पड़ा था, क्या होगा, कैसे हम लोग सामना करेगा। लेकिन जो मोदी जी ने देश को जो नेतृत्व दिया, कच्छ का भूकंप का समय जैसे नेतृत्व दिया, कोविड का समय ने जैसे नेतृत्व दिया, ये सब देश का कल्पना का बाहर था। भाइयों और बहनों, आज हमारा सिविलाइजेशन को मोदी जी का कारण बहुत बड़ा ताकत मिला है, बीजेपी को बहुत बड़ा ताकत मिला है, भारत को, भारत का जो स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था कि देश पूरा विश्व का विश्व गुरु आसन में भारत विराजमान होगा, आज वो हम कल्पना का नजदीक पहुंच चुका। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि अगला 25 साल देश के लिए अमृत काल होगा, और मैं मानता हूं अगर हमारा सारे देशवासी मोदी जी का साथ खड़ा हो जाता है, मोदी जी को ताकत देता है, मोदी जी के लिए भगवान का सामने प्रार्थना करता है, हमारा देश सचमुच विश्व गुरु हमारा जीवन काल में ही बनेगा, कोई किसे वाला जीवन में नहीं कि अगले जन्म आके हम भारत में जन्म लेगा और फिर देखेगा भारत विश्व गुरु बना, ऐसा नहीं। हमारा यही जीवन काल में हम भारत को विश्व गुरु आसन में हम देखेगा, ये मैं 100% में कंफर्म हूं।